नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज पर और हमारे टेरेस किचन गार्डन पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी छत पर एक टेरेस किचन गार्डन बना रखा है और जो हमारे साथ सब्सक्राइबर भाई बहन नए जुड़े हैं तो आज की वीडियो उनके लिए भी खास होने वाली है। तो हम आपको बताएंगे कि हमने अपने टेरेस किचन गार्डन पर इन दिनों, कहने का भाव है, नवंबर में कौन कौन सी सब्जियां और फल फूल इत्यादि लगा रखे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं अपने टेरेस किचन गार्डन का एक सारा ही ओवरव्यू दूंगा, बाद में हम आपको बताते चलेंगे कि आप इस मौसम में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। सब्जियां लगाने का यही भाव है कि आप अपने घर में ही खाने लायक ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा कर सकें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे टेरेस किचन के इस भाग से। तो हमने इस तरफ जो है जो कद्दू की बेल दोस्तों लगा रखी है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये बेल हमने ड्रम को काट कर उसमें लगाई हुई है। अगर दोस्तों आप इस संबंधी वीडियो देखना चाहें तो आपको आई बटन के रूप में लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने कल ही इनकी हार्वेस्टिंग करी है, तो अभी इस बेल पर तकरीबन 6-7 जो कद्दू हैं वो लटके हुए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन पर कोई भी दवाई नहीं डाली गई। तो आइए दोस्तों, इधर आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा। आपको जो क्रेट वेस्ट में मिल जाते हैं, देखिए हमने उनका उपयोग किया हुआ है, तो उसमें हमने जो है पालक उगा रखी है। इसी प्रकार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने जो मटर भी लगा रखे हैं तो मटर भी जो है वो निकलने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, हमने केवल इतने ही मटर नहीं लगाए हुए हैं, हमने बॉटल्स में भी जो मटर लगाए हुए हैं जो कि हम आपको दिखाते चलेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने चीनी सरसों का साग भी इन्हीं क्रेट्स में लगा रखा है, जिसको हमने एक बार जो है काट कर जो बना लिया है। तो आप इधर देखें तो हमने नवंबर में जो है टमाटर लगा रखे हैं, आप नवंबर में भी टमाटर लगा सकते हैं। वैसे तो ये सब्जी सारा साल चलती है, पर आप अब लगाना चाहें नवंबर में तो अभी ज़्यादा लेट नहीं है, आपको सर्दियों में इसका जो फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमने इन ड्रम्स का यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों, इस तरफ देखें तो हमने मूलियां भी उगा ली हैं, क्योंकि पंजाब हो और मूली के परांठे ना हो ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती, तो हमने जो है यहाँ पर मूलियाँ लगा रखी हैं, तो ये भी कुछ 20 दिन तक तैयार हो जाएंगी खाने लायक। जो सब्सक्राइबर भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बोल देते हैं हमारे पास जगह नहीं, हमारे पास स्पेस नहीं है सब्जियां उगाने के लिए। तो दोस्तों, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आप ऐसे वेस्ट मटेरियल से भी अपने खाने लायक सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। देखिए, हमने पाइप को काट कर उसके बीच में पालक और लेटस लगा रखी है, जो कि अभी आपको मुश्किल से ही दिखाई देगी। ये देखिए, लेटस के ऐसे हमने पौधे बीच बीच में लगा रखे हैं। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमने हरे वाले बैंगन लगा रखे हैं। ये जो प्लांट हमारा तकरीबन 1 से 1.5 साल पुराना है, इसकी हमने एक आध बार प्रूनिंग भी की थी, तो बहुत बढ़िया जो फ्रूटिंग आने लग गई है। दोस्तों, इस तरफ आप देख सकते हैं कि हमने अपने गार्डन में एक ओडोमॉस का प्लांट लगा रखा है। दोस्तों, वही ओडोमॉस है जो आप घर में मच्छरों को दूर भगाने के लिए यूज़ करते हैं। इसका क्या बेनिफिट है कि ये कीड़े मकोड़ों को आपके गार्डन में नहीं आने देगा। छोटी सी एग्जांपल है कि जंगल अपने आप को खुद ही चलाता है। आप देखते हैं कि जंगल में कोई पानी देने नहीं जाता, जंगल में कोई भी कीटनाशक डालने नहीं जाता, जंगल में फिर भी फल फ्रूट हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम ऐसा ही कंसेप्ट लेके आएं कि जो हमारे गार्डन में कीड़े मकोड़े हमारी सब्जियों को ख़राब करते हैं, हमारे फल फूलों को ख़राब करते हैं, ऐसे ही हम मेडिसिनल प्लांट्स लगा छोड़ें जो कि कीड़े मकोड़ों को हमारे फ्रूट्स के नज़दीक ना आने दें। तो आगे आप देखिए, यहाँ पर जो हमने छोटी दोस्तों मिर्च लगा रखी है, ये बहुत ही तीखी है। नॉर्मल मिर्च जो 10 हो और ये 1 हो तो उतना ही ये असर करती है, उतनी ही ये कड़वी होती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने अपने गार्डन में अमरूद भी लगा रखा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी इनमें अमरूद लगने शुरू हो गए हैं। तो ये सारे जो पौधे हैं दोस्तों, ये ग्राफ्टिंग वाले पौधे हैं जो कि 4 से 5 फुट से ऊपर नहीं जाएंगे। आप ऐसे ड्रम को, 200 लीटर के ड्रम को आधा काट कर भी इनको लगा सकते हैं। इसी प्रकार हमने जामुन भी अपनी छत पर लगा रखा है। हमारे पास दोस्तों अमरूद की एक और किस्म है जिसको केजी अमरूद बोला जाता है, तो इसको भी हमने अपने छत वाले गार्डन पर लगा रखा है।
इसी प्रकार अगर आप देखें तो इस प्रकार जो हमारे पास कीनू का जो पौधा है तो ये भी ग्राफ्टिंग वाला है दोस्तों, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो अभी एक साल पुराना हो चुका है तो इस पर भी फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो इधर देखिए दोस्तों, केले का प्लांट लगा रखा है, इसके साथ ही हमने स्वीट कॉर्न भी यहाँ पर लगा रखे हैं। तो दोस्तों छत के इस कोने में हमने जो है ग्रेप्स की बेलें लगा रखी हैं, जो कि ऊपर छत बनाकर हम इनको ऊपर चढ़ाएंगे तो गर्मियों में ये छांव भी करेगा और फ्रूटिंग भी देगा। तो इसी प्रकार आप देखें कि हमने इस तरफ एक छोटा सा मेडिसिनल कॉर्नर बना रखा है, एलोवेरा के जो हैं यहाँ प्लांट्स हमने लगा रखे हैं, इसी प्रकार स्नेक प्लांट भी हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। दोस्तों इस तरफ हमने जो है ड्रैगन फ्रूट लगा रखा है, आप सभी ड्रैगन फ्रूट को बहुत पसंद करते हैं तो इसको भी आप अपने घर में उगा सकते हैं। हमने अभी एक्सपेरिमेंट मात्र ही लगा रखा है तो नेक्स्ट ईयर से हम जो है इसकी तादाद को बढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार हमारे गार्डन के इस कोने में आप देख सकते हैं कि हमने जो है भिंडियाँ लगा रखी हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, इनमें कोई भी दवाई का उपयोग नहीं किया गया। आप देखिए कि कितनी जो फ्रूटिंग हुई पड़ी है। तो इसके बाद दोस्तों आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जहां पर फिर बैंगन लगा रखे हैं, पर ये जो बैंगन है ये बड़े वाले गोल वाले बैंगन हैं। तो दोस्तों बैंगन की हमने जो है 4-5 किस्में अपने गार्डन पर लगा रखी हैं। तो ये देखिए हमने इसकी भी कल ही हार्वेस्टिंग की थी, जो कि आप ऊपर तस्वीर देख ही रहे होंगे कि ये वाले बैंगन हमने इसी बैंगन के पौधों से तोड़े हैं। तो आगे चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने इस तरफ भी जो मिर्च लगा रखी है, तो प्याज कौन सी सब्जी में दोस्तों नहीं डाला जाता, सो प्याज भी हमने अपने छत पर ही लगा रखा है। तो अब बहुत बढ़िया नीचे ये प्याज बन जाएंगे। बाकी दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने ऐसे जो है मटर भी बॉटल्स में लगा रखे हैं, जो कि इस तरह हम प्लास्टिक को भी रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी कि आप प्लास्टिक की बोतलों में मटर कैसे उगा सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमने मेथी धनिया वगैरह जो सारा इस तरफ उगा रखा है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा जी। दोस्तों हमारे गार्डन के आप इस भाग में देखें तो हमने वेस्ट कप्स में जो है लहसुन उगा रखा है। आप देख सकते हैं कि आप भी अपने घर में ऐसे कप्स में लहसुन उगा सकते हैं। तो आप इसके लिए हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन के रूप में दिख रहा होगा और इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आप भी उगाइए लहसुन ऐसे घर में और अपने घर के मेम्बर्स को एक पौष्टिक भोजन खाने के लिए दीजिए। तो आइए हमारे गार्डन के इस भाग में दोस्तों मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया लाइन्स लिखी हुई हैं कि योर माइंड इज़ ए गार्डन, योर थॉट्स आर द सीड्स, यू कैन ग्रो फ्लावर्स और यू कैन ग्रो वीड्स। इसी प्रकार दोस्तों पंजाबी में भी हमने अपने गार्डन में कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं। लाइन्स लिखने का यही भाव है कि यह आप में एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर देती हैं। जब आपके पास खूबसूरत गार्डन होगा और खूबसूरत लाइन्स होगी, सोचिए वो नज़ारा कैसा होगा। तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। जे आई पतझड़ ता फेर की है तू अगली रुत्ते यकीन रखी, मैं लभ के लेना कि तो कलमा तो फुल्लां जोगी जमीन रखी। ये जो लाइन्स हैं दोस्तों ये पंजाबी के मशहूर राइटर सुरजीत पात्र जी द्वारा लिखी गई हैं। दोस्तों गार्डन के इस हिस्से में हमने जो है बंद गोभी लगा रखी है। ये बंद गोभी भी हमने दो प्रकार की लगा रखी है, ये वाली हरी वाली बंद गोभी और ये वाली बैंगनी वाली बंद गोभी। ये सारी जो 10x10 के ग्रो बैग्स में ही लगी हुई हैं। इस प्रकार हमने जो नीचे मिर्ची के पौधे भी लगा रखे हैं। आगे आप दोस्तों देखिए कि हमने इस बड़े वाले ग्रो बैग में, जहाँ कह लीजिए कि क्यारी में, हमने फूल गोभी लगा रखी है, जो कि कुछ दिनों में ही बनकर तैयार हो जाएगी। और ये जो फूल गोभी है ये भी सर्दियों की एक अच्छी सब्जी जानी जाती है, तो आपको अपने घर में ही ये खाने लायक मिल जाएगी। तो इधर भी आप ड्रम में देखिए कि हमने जो है बंद गोभी लगा रखी है। तो दोस्तों आप इस ड्रम की जो डिटेल्ड वीडियो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं, तो आपको आई बटन के रूप में लिंक भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर आप देखें तो हमने जहां पर डेकोरेटिव प्लांट्स भी लगा रखे हैं। दोस्तों डेकोरेटिव प्लांट और फूलों के प्लांट्स को लगाने का यही मतलब है कि आपके सब्जियों के कुछ प्लांट्स को
पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, जो कि ये प्लांट्स बहुत सहायक रहते हैं। आइए दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाऊंगा अपने गार्डन का। ये सामने वाला हिस्सा आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हमारा ज़्यादातर मेडिसिनल कॉर्नर है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमने जो है नई क्यारियाँ लगा कर रखी हैं। तो इन क्यारियों में हमने जो है जहाँ पर ब्रोकली लगा रखी है, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रोकली की जो पौध है, ये हमने घर में ही तैयार की है। एक रेपुटेटेड शॉप से आप बीज लाकर आप ऐसे पौध घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ये अच्छे तरीके से बढ़ना शुरू हो गई है। तो इस तरफ देख सकते हैं कि खाली कप्स हमारे पास पड़े हैं। दोस्तों, हमने उस पौध को, ब्रोकली की पौध को, इन्हीं कप्स में पैदा किया था। तो अब नई पौध उगाने के लिए भी हम इनका यूज़ करेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ अपना जो मेडिसिनल कॉर्नर। देखिए, हमने अलग अलग प्रकार के जो मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर लगा रखे हैं। जैसे कि आपको पता है कि तुलसी भी दो तीन प्रकार की होती है, हमने सभी प्रकार की तुलसी यहाँ पर लगा रखी है। तेज पत्ता जो आप मसालों में यूज़ करते हैं, इधर भी हमने दोस्तों एक ओडोमॉस प्लांट लगा रखा है। इसी प्रकार दोस्तों, ऑल स्पाइसेस का पौधा। बाकी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमारी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ आप आई बटन के रूप में जो आपको लिंक दिख रहा है, आप वहाँ पर जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हमने लगा रखे हैं, वहाँ पर हमने डिटेल में बता रखा है। तो आगे दोस्तों, इसी प्रकार लेमन ग्रास, पिपरामेंट वगैरह हो गया, और अश्वगंधा, हार श्रृंगार, पारिजात, सर्पगंधा, ये सब प्लांट्स हमने लगा रखे हैं। तो दोस्तों, इस तरफ देखें तो ये हमारा लेमन कॉर्नर है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के नींबू, देखिए हमारा जो नींबू का जो ये पौधा है, फ्रूटिंग से भरा पड़ा है। तो दोस्तों, इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आप अपने पौधे से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नींबू ले सकते हैं। गार्डन के इस कॉर्नर में दोस्तों, हमने बोगनविलिया का प्लांट लगा रखा है। आप देखिए कि कितने खूबसूरत इसमें फ्लावर जो हैं खिले हुए हैं। ये गार्डन की खूबसूरती तो बढ़ा ही रहा है, प्लस हमारे घर की भी खूबसूरती बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर थोड़ा सा आगे चले तो आपको हमारे यहाँ गार्डन में एक नीम का पौधा भी मिल जाएगा। ये बात तो अलग है कि ये ग्राफ्टिंग वाला नहीं है, पर जितना बड़ा हो सकता है ड्रम में, उतना बड़ा हम इसको करेंगे। तो दोस्तों, इससे जो हम पेस्टिसाइड नीम का बनाते हैं, तो हमारी ज़रूरत इसके पत्तों से ही पूरी हो जाती है। तो हमने दो पौधे नीम के लगा रखे हैं। इसी प्रकार हमने एक अमरूद इधर भी लगा रखा है। तो दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ गार्डन का तीसरा हिस्सा, जो कि आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पर हमने कौन कौन सी चीज़ लगा रखी है। मैं आपको वहीं पर जाकर ही बताता हूँ। दोस्तों, गार्डन के इस हिस्से में हमने चीकू का पौधा लगा रखा है। ये तकरीबन एक साल का हो चुका है। इस पर पिछली बार भी दो तीन फ्रूट्स आए थे, तो इस बार हम आस रखे बैठे हैं कि ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। तो आइए, अब आपको दिखाते हैं जी, हमने अपने गार्डन पर चार ड्रम्स में दोस्तों, देखिए, शुगर केन के पौधे लगा रखे हैं। कह लीजिए कि हमने गन्ना लगा रखा है। जी हाँ दोस्तों, आप छत पर भी गन्ना उगा सकते हैं। आप देखिए कि मेरी भी हाइट से ये ऊपर जा चुका है, और खूबसूरत दोस्तों जो गन्ने बनने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, इसकी परवरिश कैसे करनी है, इस गन्ने को आप कैसे पैदा कर सकते हैं अपनी छत के ऊपर, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हम आने वाले समय में डालेंगे। तो आइए जी, मैं इधर दिखाता हूँ आपको। इधर हमने जो है अनार का पौधा लगा रखा है, और इसी प्रकार हमने एक कीनू का पौधा यहाँ पर भी लगा रखा है। तो दोस्तों, ये था हमारे गार्डन का ओवरव्यू। हमने आपको अपने गार्डन में दिखाया कि हमने कौन कौन सी चीज़ लगा रखी है, और सर्दियों में हमने कौन कौन सी सब्जियाँ लगा रखी हैं। तो दोस्तों, वीडियो दिखाने का केवल इतना ही मकसद था कि आप भी गार्डनिंग शुरू कीजिए अपने बड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि कुदरत से प्यार करने से, गार्डनिंग करने से दोस्तों हमारे मन में पॉजिटिविटी आती है, जो कि आज कल के बिज़ी शेड्यूल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम भी अपने बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर गार्डनिंग को दोस्तों देते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपके पास वेस्ट मटेरियल है, तो आप उसका भी यूज़ अपने गार्डनिंग के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम भी ऐसे ही ऑर्गेनिक सब्जी अपने गार्डन पर पैदा करते हैं, खुद भी खाते हैं, और अपने आस पड़ोस को भी खिलाते हैं। सबसे अच्छा धर्म तो यही है कि आप अपना भी भला सोचें और अपने आस पड़ोस का भी भला सोचें। अगर दोस्तों आपको हमारा गार्डन अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल वाला आइकन
जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। बाकी दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग, प्यार भरा नमस्कार।